पहुंचा हूं और मैं एक विधायक होने के मतलब विधायक के रूप में इस कार्यक्रम में पहुंचा हूं और ये जो मुझे उपलब्धि मिली है, मुझे जो पद मिला है वो मेरे समाज की देन है, मेरे समाज ने मुझे दिया है। आज मैं अभी जो सत्र चल रहे थे, महिला सत्र, युवा सत्र, राजनीतिक सारे वक्ता, तो मैंने भी सोचा था कि मेरा नंबर कब आएगा, राजनीतिक वक्ताओं का जब आ रहा है तब आएगा, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आएगा या एक युवा के रूप में आएगा। लेकिन जो संचालन कमेटी है उसने मुझे एक युवा के रूप में यहाँ पर मौका दिया है, उसके लिए मैं संचालन कमेटी को भी खूब खूब जोहार करूंगा। हम जो लोग हैं, हम जो लोग इस देश के मूल मालिक हैं, हम आदिवासी हैं और ये आदिवासी समाज जो है, हमारा सबका उद्देश्य है, इस मंच का उद्देश्य है कि पूरे देश के आदिवासी एक सूत्र में बंधे। हम पूरे देश के जो आदिवासी लोग हैं, अपनी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करें, उस संस्कृति को आगे बढ़ाए और हम पूरे देश में गर्व के साथ कहें कि हम इस देश के मूल मालिक हैं, ये हमारा उद्देश्य है। मैं मेरे छात्र जीवन में मैं कॉलेज राजनीतिक में गया, इसके बाद मेरे जिले के मेरे विधानसभा क्षेत्र लोगों ने मुझे एक ऐसी जिम्मेदारी दी कि मेरे समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा में जाके करना है, मेरे जो संवैधानिक जो अधिकार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे समाज की जो समस्या है उसको वहां रखने के लिए मुझे भेजा। यहाँ पर एक पूर्व वक्ताओं ने बताया था, शायद संचालन करता थे, कहा था कि हम विधायकों को जनप्रतिनिधियों को वहां मौका देते हैं कि वो विधानसभा में जाके बोले, यहाँ तो सामाजिक पदाधिकारी ज्यादा बोलेंगे, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका जो वचन था हालांकि सही था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ जो वक्तव्य दे रहे हैं वो अपनी जो बात रखते हैं, ये जो मंच है उस मंच का उद्देश्य है कि अपनी विचारधारा, अपनी जो भावना है उस भावनाओं को प्रकट किया जाए, लेकिन यहाँ पर रोका जाता है। मैं भी विधायक बन के विधानसभा में गया था और विधानसभा में हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि सही को सही कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए, और हम विधानसभा में बोलने से नहीं कतराते हैं तो यहां पर भी बोलने से नहीं कतराएंगे कभी। आज हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मैं एक विधायक होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं आदिवासी समुदाय का, भिन्न समूह का, रोग गोत्र के नाते मैं बोलना चाह रहा हूं। यहां हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे इस देश में जो आदिवासी समाज है, किस कोने में, किस परिस्थिति में हमारा समाज जी रहा है, क्या क्या हमारे समाज की विडंबना है। हम देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, और हम मांग कर रहे हैं कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको हमें लेना है, हमारे जो हक अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है। आज देश आजाद हुआ 1947 से 70-72 साल होने आ गए, आज तक ये समस्या क्यों बनी हुई है।